ये रिश्ता कहलाता है मैं अफीरा और अरमान अपने बेबी यानी कि अपने बीएसपी को खो देना जरा वाले हैं, पर उनकी जिंदगी से खुशियां छिनेंगी नहीं बल्कि उनको खुशियां दान में मिलती नजर आने वाली है। जी हाँ फैंस, जहां पर रोहित कर लेंगे डिसाइड कि उनकी और रूही की अमानत यानी कि उनका और रूही का बेबी अरमान और अभीरा को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वो उन्हें पाल सकते हैं शायद रोहित और रूही भी नहीं। तो अब रोहित का ये डिसीजन, अरमान और अभीरा की झोली में वो बेबी तो ले आएगा पर रूही की नफरत भी। जी हाँ फैंस, और क्योंकि रोहित ने अकेले मिलकर ये डिसीजन लिया होगा तो किसी तरह से उन्हें रूही से झूठ बोलना पड़ेगा, और यही बात अभीरा और रूही के बीच में कुछ वक्त के बाद ही सही लेकर आने वाली है। कैसा बड़ा क्लैश, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब ये सीक्रेट जो है वो कुछ टाइम के लिए इस ऐसा सीक्रेट बनने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ अरमान और रोहित के बीच होगा। लेकिन क्योंकि ये रिश्ते क्या कहलाता है कि कहानी में बड़ी मुसीबतों के साथ साथ नए नए ट्विस्ट भी आते जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से अभीरा और अरमान मिलकर करते हैं हैंडल और रूही को किस तरह से संभाला जाता है, इस बैड न्यूज को सुनाने पर जाने के लिए स्टॉप इसके शो। ये रिश्ते क्या कहलाता है, एक लोग देखते रहिए, स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।